सिंबाद सेकेंड वॉयज, यानी सिंबाद की दूसरी यात्रा। ऑन द सेकेंड डे ऑफ सिंबाद टेल टेलिंग, सिंबाद द सेलर टेल्स हाउ ही ग्रू रेस्टलेस ऑफ हिज लाइफ ऑफ लीजर एंड सेट टू सी अगेन। एक्सीडेंटली अबंडन्ड बाय हिज शिपमेट्स अगेन, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन आइलैंड व्हिच कंटेन्स रॉक एग्स। ही अटैच्स हिमसेल्फ टू अ रॉक एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू अ वैली ऑफ जायंट स्नेक। द फ्लोर ऑफ द वैली इज कार्पेटेड विथ डायमंड्स एंड वर्सिल्स हार्वेस्ट दीज बाय थ्रोइंग न्यू चंक्स ऑफ मीट इनटू द वैली। द बर्ड्स कैरी द मीट बैक टू दियर नेस्ट एंड द मेन ड्राइव द बर्ड्स अवे एंड कलेक्ट द डायमंड्स स्टक टू द मीट। सिंबाद की सेकेंड डे ऑफ सिंबाद टेल टेलिंग, दूसरे दिन सिंबाद की सिंबाद जो स्टोरी बता रहा था, दूसरे दिन सिंबाद एक सेलर था और वो कैसे ही ग्रू रेस्टलेस ऑफ हिज लाइफ ऑफ लेजर, अपनी लाइफ के लेजर से वो कैसे रेस्टलेस हो गया और फिर से वो वापस से सी पे चला गया। एक्सीडेंटली अबंडन्ड बाय हिज शिपमेट्स अगेन, और वो अपने अचानक से फिर उसके जो शिपमेट्स थे उनसे फिर वो अलग हो गया और अपने आप को उसने एक आइलैंड पे पाया जिसमें रॉक एग्स थे। ही अटैच हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उस रॉक से अटैच किया और फिर खुद को ट्रांसपोर्ट किया वैली जायंट स्नेक्स की, जायंट स्नेक्स की वैली पर खुद को ट्रांसपोर्ट किया। द फ्लोर ऑफ द वैली इज कार्पेटेड विथ डायमंड्स, उस वैली का जो फ्लोर था यानी जो ज़मीन थी वो डायमंड से जड़ी हुई थी और मर्चेंट्स हार्वेस्ट दीज, और वो जो मर्चेंट्स थे वो इन डायमंड्स को निकालने के लिए मीट के चंक्स, बड़े बड़े मीट के मीट का हिस्सा उस वैली में फेंकते थे। उसके बाद वो बर्ड्स जो हैं उस मीट को अपने नेस्ट में यानी अपने घोंसले में लेकर आती थी। उसके बाद वो जो आदमी थे वो उन बर्ड्स को हटाकर फिर वो डायमंड्स कलेक्ट करते थे जो उस मीट के टुकड़े में चिपका हुआ था। आफ्टर फिनिशिंग माई फर्स्ट वॉयज आई हैव कम टू बगदाद टू लिव देयर फॉर एवर, बट माई डिजायर्स अपील मी टू सी मोर कंट्रीज एंड सिटीज, सो आई ऑर्डर्ड माई कलीग्स एंड मर्चेंट्स टू गो ऑन अ सेकेंड वॉयज। पहली यात्रा ख़त्म करने के बाद मैं बगदाद वापस आ गया कि अब मैं यहीं पर हमेशा रहूँगा, लेकिन मेरी जो एक डिज़ायर थी, जो एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पूरी कंट्री घूमूं और सिटीज़ घूमूं, इसलिए मैंने अपने कलीग को फिर से ऑर्डर दिया कि अब हम दूसरी यात्रा पर निकलेंगे। आई लेफ्ट माई हाउस, माई सोल वॉज फिल्ड विथ लॉन्गिंग एंड ड्रू मी वंस मोर टू द ओशन। मैंने अपना घर छोड़ दिया, मेरी जो आत्मा थी वो फिर से मतलब लॉग भरी हुई थी कि मैं एक बार फिर से ओशन पर वापस जाऊँगा। आई वेंट ऑफ विद अ नंबर ऑफ मर्चेंट्स इन ऑर्डर टू एंगेज इन बार्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड एज आई सॉट टू डिसीव माई सेल्फ, दो इन रियालिटी इट वॉज द सी विच अट्रैक्टेड मी। आई वेंट ऑफ विथ अ नंबर ऑफ मर्चेंट्स, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मर्चेंट्स के साथ फिर से दूसरे वॉयज यानी दूसरे यात्रा पर निकला। इन ऑर्डर टू एंगेज इन बार्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में वस्तु विनिमय में संलग्न होने के लिए, जैसा कि मैंने खुद को धोखा देने की कोशिश की। एज आई सॉट टू डिसीव माई सेल्फ, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, मैंने खुद को धोखा देने की कोशिश की, हालांकि वास्तव में यह समुद्र ही था, दो इन रियलिटी इट वॉज द सी विच अट्रैक्टेड मी, जो जिसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया था। एंड सो वी सेल्ड फॉर अ टाइम अंटिल वी रीच अ प्लेजेंट आइलैंड ऑन विच फ्रूट्स शिमर्ड इन स्कारलेट राइपनेस अमंग डार्क लीव्ड ट्रीज। और इसलिए हम एक समय के लिए रवाना हुए जब तक कि हम एक सुखद द्वीप तक नहीं पहुंच गए जिस पर फल अंधेरे लीक पेड़ों के बीच लाल रंग की लहर में झिलमिलाते थे।
fragrance of blossom wafted towards us. Birds sang sweetly and the water of streams sparkled in the sunshine. Fragrance of blossoms यानी फूलों की खुशबू हमारी तरफ आ रहे थे. Birds sang sweetly, चिड़िया बहुत ही अच्छे से मीठी आवाज में गा रही थी. और स्ट्रीम के जो वाटर थे, पानी थे, वो सनशाइन में स्पार्कल कर रहे थे यानी चमक रहे थे. द होल क्रू डिसेंबर्ड, पूरे चालक दल के सदस्य थे. माइंडफुल ऑफ द आइलैंड ऑफ माई फर्स्ट वॉइस, पहले यात्रा को ध्यान में रखते हुए आई कॉशियसली टेस्टेड द ग्राउंड मोस्ट थरली, मैंने उस जगह को बहुत ही अच्छे से यानी उसकी जमीन को मैंने बहुत ही अच्छे से टेस्ट किया. लेस्ट अ सिमिलर फेट शुड ओवरटेक मी, ताकि फिर से जो मेरी पहली यात्रा में हुआ वो इस यात्रा में ना हो. दिस टाइम इट रियली वॉज लैंड, इस वक्त वो जमीन ही थी. बट द अदर पैसेंजर्स लॉस्ट साइट ऑफ मी ड्यूरिंग माई एक्सप्लोरेशन ऑफ द आईलैंड, लेकिन मेरे और जो दूसरे साथी मेरे थे वो फिर मेरे से पीछे रह गए जब मैं उस आईलैंड. बट द अदर पैसेंजर लॉस्ट साइट, दूसरे पैसेंजर उसकी आंखों से ओझल हो गए थे जब वो उस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा था यानी समझने की कोशिश कर रहा था. नो सूनर हैड आई बिकम अवेयर ऑफ द न्यू डेंजर दैन इट वॉज ऑलरेडी टू लेट. नो सूनर हैड आई बिकम अवेयर, मतलब बहुत जल्दी मैं इस बात से अवेयर हो गया कि कोई नया खतरा मेरे पास आने वाला है, लेकिन तब तक लेट तो हो चुका था. माई कैप्टन हैड रेज्ड एंकर बिलीविंग दैट आई वॉज इन माई केबिन, एंड सो आई फाउंड माई सेल्फ वंस अगेन एट द मर्सी ऑफ द सी डेविल हु हैड इम्प्रिजन्ड मी ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ हिज इनफाइनाइट किंगडम. आई बिटरली रिग्रेटेड हैविंग लेफ्ट बगदाद, हैविंग गॉन टू सी अगेन एंड हैविंग थ्रोन माई सेल्फ ओपन टू न्यू मिसफॉर्च्यून्स. माई कैप्टन, मेरे कप्तान ने यह मानते हुए लंगर उठाया कि मैं उसी केबिन में था. एंड सो आई फाउंड माई सेल्फ, और इसलिए मैंने अपने आप को एक बार फिर से समुद्र शैतान की दया पर पाया जिसने मुझे अपने अनंत राज्य के एक अकेले द्वीप पर कैद कर लिया था. इम्प्रिजन मी ऑन अ लवली आइलैंड ऑफ हिज इनफाइनाइट किंगडम, यानी समुद्र शैतान की दया पर पाया जिसने मुझे अपने अनंत राज, इनफाइनाइट किंगडम यानी अनंत राज के एक अकेले द्वीप पर. हु हैड इम्प्रिजन मी ऑन अ लोनली आइलैंड, लोनली आइलैंड यानी अकेले द्वीप पर, और इम्प्रिजन मीन्स होता है कैद करना. इम्प्रिजन कर दिया था यानी कैद कर दिया था. आई बिटरली रिग्रेटेड हैविंग लेफ्ट बगदाद, अब मुझे बगदाद छोड़ने पर पछतावा हो रहा था. हैविंग गॉन टू सी अगेन, समुद्र में वापस जाने में, एंड हैविंग थ्रोन माइसेल्फ ओपन टू न्यू मिसफॉर्च्यून्स, और अपने आप को फिर अब नए मिसफॉर्च्यून की तरफ बढ़ने में मैंने अपने आप को छोड़ दिया कि अब देखते हैं कि मेरे साथ अब और क्या नया बुरा होता है. From the top of a high tree, I looked to the left and right. पेड़ की बहुत ऊंचाई से मैंने लेफ्ट और राइट में देखा. On studying the landscape closely, I noticed a large white object in the distance. Landscape को ध्यान से जब मैंने देखा तो मैंने नोटिस किया कि एक दूर पर एक कुछ सफ़ेद सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी सफ़ेद सी कुछ चीज़ दिखाई दे रही है. I climbed down from the top of the tree and made my way towards the shining object. I climbed down, फिर मैं उस पेड़ से नीचे उतरा और उसी रोशनी की जिस जगह से वो चमक आ रही थी उसी की तरफ उसको ही देखते हुए मैं आगे बढ़ता गया. And behold, it was white dome on of considerable size towering up into the sky. और उसके बाद वो एक वाइट डोम था कंसिडरेबल साइज का जो स्काई, जिसका टावर जो है स्काई की तरफ था यानी आसमान की तरफ था, वो एक डोम था.
नाउ डोम यानी आप या इसको गुंबद भी बोल सकते हैं, वो एक गुंबद जैसा था जिसका जो टावर था वो आसमान की तरफ जा रहा था. ओके अप टू हियर टुडे इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अप टू हियर ओनली. यू ऑल रीड द चैप्टर अप टू हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. रेस्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.